नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत महिला बाल विकास के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत सर्व समाज मांगलिक भवन में विवाह संपन्न कराया गया। सर्व समाज मांगलिक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के कार्यक्रम में 39 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और वे सभी परिणय सूत्र में बंध गए। महापौर नीरज पाल ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शासन की महत्वाकांक्षी योजना बताया। वहीं निर्धन परिवार की कन्याओं तथा बेसहारा कन्याओं को भी इस विवाह योजना से लाभ मिलता है। इस योजना में खास बात यह है कि विवाह की संपूर्ण सामग्री जैसे वस्त्र, अलमारी, पेटी, रैक, बर्तन, ड्रम, कुकर, चांदी, मंगलसूत्र, बिछिया और घड़ी सेट एवं 21,000 रुपए चेक के माध्यम से दिया जाता है। इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अधीन प्रशासनिक तौर पर की जाती है। मांगलिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 39 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत पूरे विधि विधान से एवं मंत्र उच्चारण के द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। पूरे धूमधाम से बारात भी निकाली गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में वर वधु अत्यंत प्रसन्नचित नजर आए। वहीं इनके परिचित एवं परिजन भी बड़ी संख्या में विवाह समारोह में शामिल हुए। यहां पर भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 37 जोड़ों की शादी हो रही है और बड़ी खुशी की बात है, मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह जो है CM साहब द्वारा जो घोषणा किया गया है, इस बार सबसे बड़ी बात है कि दूल्हा दुल्हन को पहले जो 1,000 रुपया उनको का चेक देते थे, इस बार टोटल उन्हें 20,000 पर 21,000 का चेक दे रहे हैं और पूरे व्यवस्था कर रहे हैं। शासन द्वारा व्यवस्था किया गया है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में रिसाली से भिलाई 3 से भी जोड़े आए हुए हैं और ये पूरा सामूहिक विवाह चल रहा है। आज इसका पूरा खर्चा शासन उठा रही, छत्तीसगढ़ शासन उठा रही। वर वधु को जो हमें 25,000 रुपये की राशि दी उसको 50,000 देने की घोषणा की गई। उसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज इस प्रांगण में 40 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है, जिसमें 22 जोड़े नगर पालिक निगम भिलाई परिक्षेत्र, 15 जोड़े नगर पालिक निगम प्रसादी परिक्षेत्र और 2 जोड़े जो है नगर पालिक निगम चरोदा भिलाई के हैं और इन सभी को 21,000 रुपये की राशि कल इन सभी के वधु के खाते में RTGS के तहत ट्रांसफर की जाएगी। अभी सभी को मानक चेक दिया जाएगा 21,000 रुपये का। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित समस्त श्रृंगार सामग्री, गहने, सामग्री, बर्तन सभी इनको शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंछोर, महापौर नीरज पाल, मुख्यमंत्री जी की सुपुत्री डॉक्टर श्वेता बघेल, निगम आयुक्त रोहित व्यास, अंता व्यवसायी सहकारी समिति एवं वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, सभापति गिरवर बंटी साहू, महापौर परिषद के सदस्य मीरा बंजारे एवं रीता सिंह गेरा आदि ने नए जोड़ों को उनके आगामी सुखद जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।